तो आपने देखा कि किस प्रकार त्रिस्तंभी रोकड़ भरी के अंतर्गत खतौनी करते हुए हम क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। आइए अब इसके अगले भाग यानी कि खुदरा रोकड़ भरी पर एक नज़र डालें। खुदरा रोकड़ भरी के अर्थ को हम जानें तो ये फुटकर रोकड़ भरी है जिसमें छोटे छोटे व्यवहार जो हम दैनिक रूप से व्यापारी करते हैं, चाय नाश्ते से संबंधित, डाक व्यय से संबंधित, बहुत सारे छोटे छोटे व्यय होते हैं जिनके सबके व्यय के लिए अलग से सहायक भरी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सभी व्ययों को, छोटे छोटे व्ययों को इकट्ठा करके हम फुटकर भरी यानी कि खुदरा रोकड़ भरी में लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्यों बनाते हैं, क्या लाभ है, क्या महत्व है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको बनाने से एक तो लेखा करने में सुविधा होती है, एक ही जगह हम सारे छोटे व्यवहारों को लिख देते हैं, अलग अलग उनके लिए सहायक भरी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समय और श्रम की भी बचत हो जाती है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि रोकड़ भरी की ये प्रामाणिकता है, जितने भी व्यय होते हैं वो पूरा का पूरा उनकी लिस्ट एक बन जाती है, तो वो प्रमाण होते हैं कि कौन कौन से व्यय किए गए हैं। तीसरा हम यहाँ पे देखते हैं कि भुगतान में सरलता होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत रोकड़ियों को पहले से एक निश्चित राशि दे दी जाती है और उसमें से फिर वो अपना भुगतान करते जाता है, तो यहाँ पर भुगतान करने में भी सरलता होती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि पूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि लघु रोकड़िया जो है वो लघु रोकड़ भरी का निर्माण करता है, तो इस पर पूर्ण नियंत्रण उसका रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यायालय में ये जो लघु रोकड़ बुक है उसको कई बार जब पैसों के लेन देन की बात आती है तो न्यायालय में इसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। और साथ ही साथ खाते में जो प्रविष्टि होती है, बहुत सारे अलग अलग खाते बनाना या एक ही व्यवहार बहुत सारे अलग अलग खाते बनाना, इस तरह की परेशानियां नहीं होती, एक ही खाते में सभी व्यवहारों को लिख दिया जाता है। तो आइए रोकड़ बही और फुटकर बही में क्या अंतर है इस पर एक नजर डालें। रोकड़ बही एवं फुटकर बही में अंतर। रोकड़ बही एक प्रमुख बही होती है जबकि फुटकर बही सहायक बही के समान होती है। दूसरा, रोकड़ बही में सभी आय व व्यय का लेखा किया जाता है जबकि फुटकर बही में केवल खुदरा व्ययों का लेखा किया जाता है। तीसरा, रोकड़ बही को प्रमुख रोकड़िया लिखता है जबकि फुटकर बही को छोटा रोकड़िया लिखता है। चौथा, रोकड़ बही में फुटकर व्ययों के योग का लेखा करते हैं जबकि फुटकर व्ययों का विस्तृत लेखा फुटकर बही में किया जाता है। पांचवा, रोकड़ बही को साधारणता सभी व्यापारी द्वारा लिखा जाता है जबकि फुटकर बही को बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा लिखा जाता है। खुदरा रोकड़ बही के प्रकार पर हम एक नज़र डालें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मारक बही इसके अंतर्गत हम बनाते हैं जिसे मेमोरेंडम कैश बुक बोलते हैं। तो मेमोरेंडम कैश बुक यानी कि याद रखने योग्य ये होती है बही, एक बुक में छोटे छोटे खर्चों को लिख दिया जाता है, लेकिन वास्तव में अब इस विधि का प्रयोग बहुत कम या ना के बराबर किया जाता है। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं कि लघु रोकड़ बही या सहायक सिंपल पिटी कैश बुक जिसके अंतर्गत हम कुछ इस तरह के कॉलम का प्रयोग करते हैं। इस कॉलम में जो राशियाँ होती हैं उनको हम एक तरफ जितनी राशि प्राप्त हुई वो पूरी की पूरी हम यहाँ पर लिख देते हैं एक किनारे में, और जो भी खर्च करते हैं हम उसको विवरण कॉलम में लिखते जाते हैं, उसकी हम अमाउंट को लिखते जाते हैं, और जो बैंक जो शेष जो बैलेंस बच जाता है फिर लास्ट में हम उसको यहाँ पर पोस्टिंग करते हैं। तो आइए लघु रोकड़ बही जो है, सिंपल पिटी कैश बुक जो है, उसके हमें क्रियात्मक प्रश्न को देखते हैं। लघु रोकड़ पुस्तक का प्रारूप। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिटी कैश बुक या साधारण खुदरा रोकड़ बही जो है उसके अंतर्गत जब हम कॉलम टेबल का निर्माण करते हैं प्रारूप का, तो कुल मिलाकर इसमें 7 कॉलम बनते हैं जिसमें से पहला कॉलम जो होता है वो राशि प्राप्ति यानी अमाउंट रिसीव का होता है। इसके अंतर्गत वो राशि लिखी जाती है जो कि रोकड़िए को प्राप्त हुई है छोटे मोटे व्यय को करने के लिए। दूसरे कॉलम में रोकड़ बही का पृष्ठ लिखा जाता है, तीसरे कॉलम में तिथि लिखी जाती है, और चौथे कॉलम में स्टेप बाय स्टेप ये जो डेट दिया गया है, डेट बाय डेट यहाँ पर हम पूरा का पूरा विवरण लिखते हैं, जिस प्रकार से हम छोटे छोटे खर्च करते जाते हैं वैसे वैसे हम इसमें एंट्री करते जाते हैं। और उसके बाद वाउचर नंबर होती है, खाता संख्या होता है, और उसके बाद जितनी जितनी भी राशि का भुगतान किया गया है वो 7वें कॉलम में हम लिखते जाते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं से साधारण लघु रोकड़ पुस्तक बनाइए। 2007 जुलाई 1 रोकड़िए से प्राप्त 200 रुपए, जुलाई 2
डाक टिकट के लिए चुकाए 4 रुपए, जुलाई 3 तार के लिए दिए 2 रुपए, जुलाई 4 तांगा किराया दिया 16 रुपए, जुलाई 8 विविध व्यय दिए 16 रुपए, जुलाई 12 डाक व्यय चुकाया 12 रुपए, जुलाई 20 बिजली मरम्मत के दिए 20 रुपए, जुलाई 25 लेखन सामग्री के चुकाए 14 रुपए, जुलाई 29 कुली खर्च के चुकाए 4 रुपए, जुलाई 29 तार के लिए दिए 6 रुपए, जुलाई 31 यात्रा व्यय चुकाया 24 रुपए। अब क्योंकि इस प्रश्न में हमको पिटी कैश बुक यानी लघु रोकड़ बही बनानी है और हमने देखा कि छोटे मोटे जो व्यय होते हैं जिनके लिए अलग से खाता बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है उन सबको मिलाकर हम लघु रोकड़ पुस्तक यानी पिटी कैश बुक में लिख देते हैं। फॉर्मेट हमने देखा था कि बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, यहाँ पर हम जो अमाउंट का जो कॉलम है वो 2 जगह बनाते हैं, लेफ्ट और राइट साइड दोनों। लेफ्ट में जो हम अमाउंट का कॉलम बनाते हैं वहां पर हम अमाउंट रिसीव लिखते हैं जो भी हमको प्राप्त हुई है टोटल, और उसके बाद फिर हम जो खर्च करते जाते हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से प्रश्न में दिया गया होता है उसको हम पेड कॉलम में राइट साइड में लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर डेट के कॉलम में हम डेट डालते जाएंगे और पर्टिकुलर में हम सारे विवरण लिखते जाएंगे, जैसे सबसे पहले हमने कैश रिसीव किया तो 1 जुलाई को जो कैश हमने रिसीव किया है अपने कैशियर से वो 200 हम क्योंकि रिसीव की अमाउंट है तो यहाँ पर हम इसको राइट साइड में हमने इसकी एंट्री कर ली है 200, और अब हम इसमें से एक्सपेंस करते जाएंगे और राइट साइड में उसको लिखते जाएंगे। तो 2 जुलाई को डाक टिकट चुकाए पेड फॉर पोस्टल स्टैम्प, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 जुलाई डेट डालेंगे और लिखेंगे यहाँ पर हम बाय पेड फॉर पोस्टल स्टैम्प और 4 रुपीज से हम इसकी एंट्री कर लेंगे अमाउंट पेड कॉलम में। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी हम जितने भी एक्सपेंसेस हम करते जाते हैं तो हमारी जो जनरल एंट्री होती है वो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होती है, यानी कि कुल मिलाकर जितनी भी पोस्टिंग है सभी कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगी और उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें एंट्री करते जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम देखें बाय पेड फॉर पर्सनल स्टैम्प्स 4 रुपीज है, फिर 3 जुलाई को हम देख रहे हैं बाय पेड फॉर टेलीग्राम 2 रुपीज है, 4 जुलाई को हम देख रहे हैं बाय पेड फॉर टांगा हायर 16 रुपीज है, 8 जुलाई को हम देख रहे हैं बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 16 रुपीज है, 12 जुलाई को बाय पेड फॉर पोस्टेज 12 रुपीज, इसकी एंट्री हमने यहाँ पर कर ली, 20 जुलाई को बाय पेड फॉर इलेक्ट्रिक रिपेयर्स 20 रुपीज, इसकी एंट्री हमने कर ली, फिर 25 जुलाई को बाय पेड फॉर स्टेशनरी 14 रुपीज, 29 जुलाई को बाय पेड फॉर टेलीग्राम 6 रुपीज, 29 जुलाई को बाय पेड फॉर कुली चार्जेस 4 रुपीज, और फिर 31 जुलाई को बाय पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 24 रुपीज। और अगर हम बैलेंस निकाले अब तो 200 थे हमारे पास और इतने सारे एक्सपेंसेस करने के बाद अब हमारे पास 31 जुलाई को बैलेंस बच जाते हैं 82 रुपीज, यानी 200 में से सारे एक्सपेंसेस हम जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 82 रुपीज, जिसे हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी यानी कैरेट डाउन, और वापस हम इसको ट्रांसफर करके ले आएंगे 1 अगस्त को बाय बैलेंस बीडी यानी ब्रॉट डाउन टू बैलेंस बीडी यानी ब्रॉट डाउन 82 रुपीज। तीसरा जो प्रकार है वो है विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल कैश बुक। एनालिटिकल कैश बुक थोड़ा सा परिवर्तित होती है सिंपल कैश बुक से, यहाँ पर हर तरह के व्यय के लिए अलग अलग कॉलम जो है वो बनाए जाते हैं, सभी व्ययों का विवरण अलग से लिखा जाता है और फिर उनके कॉलम अलग अलग बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं एनालिटिकल कैश बुक का प्रारूप क्या है और इससे संबंधित कुछ उदाहरण को देखते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों के आधार पर एनालिटिकल पिटी कैश बुक बनाइए। टोटल अमाउंट रिसीव 2016 फर्स्ट जनवरी पेड कॉटेज 50 रुपीज, सेकेंड जनवरी एसटीडी चार्जेस 40 रुपीज, सेकेंड जनवरी बस फेयर 20 रुपीज, थर्ड जनवरी पोस्टेज 30 रुपीज, फोर्थ जनवरी रिफ्रेशमेंट फॉर एम्प्लॉयज 80 रुपीज, 6 जनवरी कोरियर चार्जेस 30 रुपीज, 8 जनवरी रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर 50 रुपीज,
कॉटेज 35 रुपीज, टैक्सी फेयर टू मैनेजर 70 रुपीज, 18 जनवरी स्टेशनरी 65 रुपीज, 20 जनवरी बस फेयर 10 रुपीज, 22 जनवरी फैक्स चार्जेस 30 रुपीज, 25 जनवरी टेलीग्राम चार्जेस 35 रुपीज, 27 जनवरी पोस्टेज स्टाम्प 200, 29 जनवरी रिपेयर ऑफ फर्नीचर 105, 30 जनवरी लॉन्ड्री एक्सपेंसेस 115, 31 जनवरी मिसलेनियस एक्सपेंसेस 100। यहाँ पर हमको एनालिटिकल पिटी कैश बुक बनानी है, और जब हम एनालिटिकल पिटी कैश बुक बनाते हैं तो जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम अलग अलग जो कॉलम होते हैं, हर एक्सपेंस के लिए हम एक अलग कॉलम बनाते हैं और उसके बाद हम इसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर जब हम एनालिटिकल पिटी कैश बुक का फॉर्मेट बनाएंगे तो उसके पहले हम यहाँ पे देख लेंगे कि कितने टाइप के एक्सपेंसेस हमारे पास हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जब हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे तो जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि एनालिटिकल पिटी कैश बुक के लिए सबसे पहले हम रिसिप्ट का कॉलम बनाते हैं, सीबीएफ का बनाते हैं, फिर हम डेट का कॉलम बनाते हैं, पर्टिकुलर बनाते हैं, और फिर वॉइस नंबर का कॉलम बनाते हैं, टोटल पेमेंट का कॉलम बनाते हैं, और उसके बाद जो पिटी एक्सपेंसेस यानी छोटे मोटे एक्सपेंसेस लघु वे जिनको हम बोलते हैं उसके लिए हम एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको हम प्रश्न में देखते हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम कॉलम आगे बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमको दिख रहा है एक एक्सपेंसेस टेलीग्राम टेलीफोन चार्जेस, फिर पोस्टेज चार्जेस दिख रहे हैं, कन्वीनियंस दिख रहे हैं, और उसके बाद रिफ्रेशमेंट के लिए दिख रहे हैं, कॉटेज एक एक्सपेंस दिख रहा है, और मिसलेनियस दिख रहे हैं। तो इतने डिफरेंट टाइप के हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, तो इन सभी एक्सपेंसेस के लिए हम कुल मिलाकर 6 जो कॉलम है एडिशनल इसमें हम ऐड कर देंगे और फिर हम इसमें एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम रिसिप्ट में 2000 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि 2000 है हमारे पास रिसीव हुए हैं हमको, और डेट वाइज फिर हम इसकी एंट्री करते जाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2016 फर्स्ट जनवरी को कैश है उसकी हमने एंट्री कर ली है, फिर फर्स्ट जनवरी को कार्टेज दिया गया है, तो यहाँ पर क्योंकि सारे एक्सपेंसेस हैं और सारे के लिए सेम जनरल पोस्टिंग होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्योंकि इसको कैश के क्रेडिट में लिखना है तो बाय से हम इसकी एंट्री करते जाएंगे जिस प्रकार हम लेजर में बाय से एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जनवरी को हो जाएगा बाय कार्टेज, और कार्टेज के कॉलम में हमको इसको 50 रुपीज लिखना है। सेकेंड जनवरी को बाय एसटीडी चार्जेस है, और एसटीडी चार्जेस जो होते हैं वो टेलीफोन के अंतर्गत आते हैं, तो टेलीफोन कॉलम में हमको 40 रुपीज यहाँ लिख देना है। उसके बाद हम देख रहे हैं सेकेंड जनवरी को बस फेयर हमने दिया है, तो बस फेयर की अमाउंट जो है वो हम कन्वीनियंस में लिख देंगे 20 रुपीज। फिर थर्ड जनवरी को पोस्टेज एक्सपेंसेस हमने किया है उसको हम पोस्टेज कॉलम में लिख देंगे 30 रुपीज। 4 जनवरी को रिफ्रेशमेंट एम्प्लॉयज को करवाया गया है, यहाँ पर दिया गया है तो 80 रुपीज है, तो उसको हम रिफ्रेशमेंट कॉलम में लिख देंगे। और फिर हम देख रहे हैं 6 जनवरी को कोरियर चार्जेस है, तो कोरियर चार्जेस जो है वो टोटल 30 रुपीज है, तो क्योंकि कोरियर है तो ये पोस्टेज के अंतर्गत ही आएगा, तो इस अमाउंट को हम पोस्टेज के अंतर्गत लिख देंगे। फिर 8 जनवरी को फिर ये जो है रिफ्रेशमेंट फिर से दिया गया है, तो उसको हम फिर से रिफ्रेशमेंट कॉलम में 50 रुपीज लिख देंगे। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं 10 जनवरी को कार्टेज एक्सपेंसेस दिए गए हैं, उसको हम यहाँ कार्टेज जो हमारा कॉलम है 35 उसमें हम उसकी एंट्री कर देंगे। और 15 जनवरी को टैक्सी फेयर दिया गया है, टैक्सी फेयर टू मैनेजर, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो टैक्सी फेयर है ये 70 रुपीज है, तो इसको हम फिर कन्वीनियंस में लिख देंगे क्योंकि उसी के अंतर्गत आएगा ये। स्टेशनरी जो यहाँ पर दी गई है, तो स्टेशनरी चार्जेस है इसके लिए हमने क्योंकि अलग से किसी प्रकार का कोई कॉलम नहीं बनाया है, तो इसको हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंतर्गत यहाँ पर 65 रुपीज लिख देंगे। और फिर हम देख रहे हैं कि 20 जनवरी को बस फेयर दिया गया है यहाँ पर, तो बस फेयर यहाँ पर हम 10 रुपीज से इसकी एंट्री कर देंगे हम कन्वीनियंस के अंतर्गत, क्योंकि बस फेयर भी कन्वीनियंस में ही आएगा। फैक्स चार्जेस दिया गया है, फैक्स चार्जेस भी टेलीग्राम के अंतर्गत ही आएगा, तो 22 जनवरी को फैक्स चार्जेस जो है वो हम 30 रुपीज टेलीग्राम एंड टेलीफोन के अंतर्गत लिखेंगे। 25 जनवरी को टेलीग्राम चार्जेस है 35, तो वो तो टेलीग्राम के अंतर्गत आएगा ही।
फिर है यहाँ पर 27 जनवरी को पोस्टेज स्टाम्प्स, ये जो पोस्टेज जो चार्जेस है वो पोस्टेज कॉलम ने ऑलरेडी बना रखा है तो उसके अंतर्गत ये 200 आ जाएगा। 29 जनवरी को हम देख रहे हैं कि बाय रिपेयर ऑफ रिपेयर टू फर्नीचर दिया गया है तो इसकी एंट्री हम कर लेंगे बाय रिपेयर टू फर्नीचर, और 105 से इसकी एंट्री हम मिसलेनियस में करेंगे क्योंकि किसी प्रकार के रिपेयर वगैरह के लिए हमने कोई एडिशनल कॉलम यहाँ पर नहीं बनाया है तो ये जो एक्सपेंसेस है मिसलेनियस में चला जाएगा। सेम इसी तरह 30 जनवरी को लॉन्ड्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और इसके लिए भी हमने किसी प्रकार का कोई अलग कॉलम नहीं बनाया है तो ये भी जो अमाउंट होगी वो मिसलेनियस में चली जाएगी। और उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस कुछ अलग से दिए गए हैं 100 रुपीज तो उसको तो हम मिसलेनियस में ही डालेंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जितने अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस थे सबको हमने उनकी जगह पर जहां लिखना चाहिए था हमने लिख दिया। अब हम भरेंगे टोटल पेमेंट का कॉलम, तो टोटल पेमेंट के कॉलम को हम यहाँ पे देखते जाते हैं। फर्स्ट जो कॉटेज का था वो सिर्फ 50 है तो टोटल पेमेंट में 50 रुपीज आ जाएगा। एसटीडी चार्जेस जो थे उसमें भी सिर्फ एक ही बार आया है तो वो 40 रुपीज आ जाएगा। बस फेयर जो है वो भी सिर्फ एक बार ही आया है यहाँ पर तो वो आ जाएगा 20 रुपीज। पोस्टेज जो है वो भी 30 रुपीज आ जाएगा। रिफ्रेशमेंट फॉर एम्प्लॉयज 80 है, 80 आ जाएगा। कोरियर चार्जेस 30 है, रिफ्रेशमेंट 50 रुपीज है। फिर हम देख रहे हैं कि कॉटेज है 35 रुपीज, टैक्सी फेयर है 70 रुपीज, स्टेशनरी है 65, बस फेयर है 10 रुपीज, फैक्स चार्जेस 30 रुपीज, टेलीग्राम चार्जेस 35 रुपीज, पोस्टेज स्टाम्प्स 200 रुपीज, रिपेयर टू फर्नीचर 105 रुपीज, लॉन्ड्री एक्सपेंसेस 115 रुपीज और मिसलेनियस जो एक्सपेंसेस थे वो 100 रुपीज है। तो ये हमने टोटल अभी यहाँ पर लिख दिया। अब हम ये जो अलग अलग कॉलम है उनका अलग अलग टोटल कर लेंगे। टोटल जो एक्सपेंसेस है उसका जो टोटल आता है वो 1065 आता है, उसकी हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। टेलीफोन चार्जेस टेलीग्राम को अगर हम टोटल करें तो इसका टोटल आएगा 105। पोस्टेज जो कॉलम है उसका टोटल आएगा 260 और कन्वीनियंस जो कॉलम है उसका टोटल आएगा 100 रुपीज। रिफ्रेशमेंट कॉलम का टोटल आएगा 130। कॉटेज कॉलम का टोटल आएगा 85 रुपीज और मिसलेनियस एक्सपेंसेस का टोटल है 385 रुपीज। अब क्योंकि हमारे पास 2000 थे जो कि हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमने लिखा हुआ है, इस 2000 में से 1065 रुपीज हमने खर्च कर दिया तो अब हमारे पास जो बैलेंस बचता है उसको हम 31 जनवरी को यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन लिखकर उसकी एंट्री कर देंगे। तो 2000 में से 1065 माइनस करेंगे तो 935 रुपीज जो है वो बैलेंस बचता है। टोटल यहाँ पर हम 2000 लिखेंगे और ये जो बैलेंस है 935 उसको हम नेक्स्ट मंथ ओपनिंग यहाँ पर बैलेंस लेकर आएंगे 1 फरवरी टू बैलेंस बीडी और कैश में इसकी एंट्री टू बैलेंस बीडी 935 से और कैश हमने जो एक्सपेंस किया 1016 की एंट्री करके इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। मुख्य रोकड़ बही और खुदरा रोकड़ बही में कुछ समानताएं भी हैं तो कुछ अंतर भी है, आइए देखते हैं मुख्य रोकड़ बही और खुदरा रोकड़ बही में क्या समानता है और साथ साथ में इनमें क्या अंतर है। मुख्य रोकड़ बही तथा खुदरा रोकड़ बही में समानता, दोनों ही बहिया प्रारंभिक लेखे की बहिया यानी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है क्योंकि दोनों ही जनरल का उद्देश्य पूर्ण करती है, व्यावसायिक सौदे सर्वप्रथम इसमें दर्ज होते हैं। दूसरा, दोनों ही बहिया अंतिम लेखे की बहिया यानी बुक ऑफ फाइनल एंट्री है क्योंकि दोनों ही खाता बही का उद्देश्य पूर्ण करती है, दोनों ही खाता बही है क्योंकि पहला मुख्य रोकड़ बही मुख्य रोकड़ खाते का तथा बैंक खाते यानी तीन खाने वाली रोकड़ बही की दशा में इसका उद्देश्य पूर्ण करती है और दूसरा खुदरा रोकड़ बही खुदरा रोकड़ खाते का उद्देश्य पूर्ण करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुख्य रोकड़ बही और खुदरा रोकड़ बही समान है। मुख्य रोकड़ बही तथा खुदरा रोकड़ बही में अंतर राशि के आधार पर, पहला मुख्य रोकड़ बही में सभी रोकड़ प्राप्तियों का लेखा किया जाता है जबकि खुदरा रोकड़ बही में मुख्य रोकड़िए से प्राप्त रकम का ही लेखा किया जाता है। दूसरा, मद के आधार पर मुख्य रोकड़ बही खुदरा रोकड़ व्यय के भुगतान को छोड़कर सभी रोकड़ भुगतानों का लेखा करती है जबकि खुदरा रोकड़ बही में केवल खुदरा रोकड़ भुगतानों का लेखा किया जाता है। तीसरा, प्रारूप के आधार पर
मुख्य रोकड़ बही में सभी व्यवहारों के लिए रोकड़ का एक ही खाना होता है, जबकि खुदरा रोकड़ बही में विभिन्न व्यवहारों के लिए अलग अलग खाने बनाए जाते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि कुल मिलाकर ये जो सहायक बहियां हैं ये पूरे के पूरे व्यापार की प्रक्रिया में काफ़ी सहायक सिद्ध होती हैं। नगद व्यवहार को हम अलग लिख देते हैं, उधार व्यवहार को हम अलग लिख देते हैं। उधार के साथ साथ हम ये जितने भी अलग अलग प्रकृति के होते हैं, चाहे वो क्रय हो, विक्रय हो, क्रय वापसी हो, विक्रय वापसी हो, प्राप्य विपत्र से रिलेटेड हो, देय विपत्र से रिलेटेड हो, सभी के लिए हम अलग अलग खाते, अलग अलग बहियों का निर्माण कर देते हैं। ये बहियां जहाँ एक और व्यापारियों के लिए समय और श्रम की बचत करती हैं, वहीं दूसरी ओर पूरे के पूरे व्यापार के आर्थिक स्थिति की जानकारी भी देती हैं।